जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि, यानी आपकी राशि के मालिक भी चंद्रमा है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ कुंडली के अंदर 4 नंबर में चंद्रमा लिखा है आपका बोलता नाम कर्क राशि पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। गोचर चंद्रमा से देखने की प्रधानता है, खास तौर पे मुख्य ग्रह शनि बृहस्पति और राहु केतु तो अवश्य ही चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। अब बृहस्पति किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सबसे मुख्य है, क्योंकि एक बृहस्पति 5 भावों का कारक, 2 स्थानों का मालिक, एक जगह पर बैठकर 3 जगह दृष्टि देता है। यानी अकेला बृहस्पति 10 से ऊपर स्थानों पर अपना प्रभाव रखता है। जब यह ये ग्रह राशि परिवर्तन करे, वक्री हो जाए, मार्गी हो जाए, तो व्यक्ति पर इसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। बृहस्पति को सबसे ज़्यादा प्रिय या सबसे ज़्यादा कमांड अगर बृहस्पति के पास किसी चीज़ की है तो वो है आपका पैसा, आपका धन, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी तरक्की, आपका प्रमोशन, आपका धन संचय, ये सब बृहस्पति पर निर्भर है। अब ये बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को होंगे वक्री से मार्गी। कब तक रहेंगे? 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल 2023 तक ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे। यानी अभी तक ये ग्रह वक्री चल रहा था, यानी पीछे की तरफ मूवमेंट थी, स्लो था, कार्यों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कम थी, क्योंकि जब कोई ग्रह पीछे की तरफ मूवमेंट करता है तो ना तो उसकी दृष्टि आगे की तरफ काम करती, ना उसकी दृष्टि पीछे की तरफ पूरी काम करती। इसलिए ऐसा ग्रह खुद असमंजस में फंसा हुआ होता है। आपकी राशि के लिए अच्छी बात यह है कि वे राशि से नवम भाव के अंदर अपनी ही राशि में है। यानी कहीं ना कहीं इस ग्रह ने आपको धर्म से, ज्ञान से, सनातन धर्म से, आध्यात्म से, पूजा पाठ से, ईश्वरीय विश्वास से जोड़ा रखा है, क्योंकि राशि से नौवा जो घर है ये भाग्य का स्थान होता है। अब 24 नवंबर को जब आपके भाग्य का मालिक वक्री से मार्गी हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये ग्रह आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य को बढ़ावा देने के लिए आ गया। कि अब अगर भाग्य के भरोसे कोई भी काम अटके हुए हैं कि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है, तो अब ये ग्रह आपके भाग्य को आगे चलाएगा। अब ये ग्रह ईश्वर की कृपा देगा। अब ये ग्रह आपसे धार्मिक क्रियाकलाप भी कराएगा, ये ग्रह आपसे धार्मिक यात्राएं भी कराएगा। साथ ही साथ आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए अच्छा है, आपकी धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। ये पंचम से पंचम है तो एजुकेशन के लिए अच्छा, खास तौर पे हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपनी हायर एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री में, PhD, नेट क्वालिफाई, इनके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक सफलता का योग है। पंचम से पंचम है तो संतान से संबंधित सभी प्रकार की स्थितियों के लिए अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, कंसीव करने के लिए अच्छा, संतान जीवन में राइज करेगी, संतान से रिलेशन अच्छे रहेंगे, उस लिए अच्छा है। धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, क्योंकि जब बृहस्पति तीसरे में बैठेगा तो तीसरे नवम भाव से बैठकर ये तीसरे भाव पर दृष्टि देगा। इसका मतलब है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ देगा। दूर स्थान से जोड़ सकता है, विदेश यात्रा करा सकता है, ट्रैवलिंग लाइफ के अंदर ला सकता है, उस ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि बृहस्पति छठे घर का मालिक भी है आपकी राशि, तो किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज अगर जीवन में चल रहा है, किसी भी प्रकार का स्ट्रगल बढ़ गया है, तो वो सब सॉर्ट आउट होगा इस बृहस्पति के वक्री से मार्गी होने में। यानी 24 नवंबर के बाद आपके समय बहुत ही अनुकूल चलता दिखाई दे रहा है। और एक बार जब बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप पहले के मुकाबले ज़्यादा जोश से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति समझदारी और विवेक देने वाला ग्रह है। ये बृहस्पति आपके जीवन में आपकी शिक्षा को संभालेगा, आपकी लव लाइफ को संभालेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालेगा, आपके धन को अच्छा करेगा। क्योंकि बृहस्पति जब नवम में बैठता है तो राशि और पंचम तीनों पर, यानी त्रिकोण के जो स्थान हैं उन सभी के लिए बड़ा अनुकूल हो जाएगा। यानी बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि, जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा, विद्या, संतान, बुद्धि के लिए अच्छी है, तो बृहस्पति यहाँ पूरी तरीके से आपके भाग्य में उछाल लाना ग्रह वाला भी ग्रह बन गया है। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति के मार्गी होने का इंतजार है और आपके जीवन के अच्छे दिन की शुरुआत भी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी 24 नवंबर से 22 अप्रैल बहुत ही शुभ समय होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपको जीवन में सुख समृद्धि देंगे। तो यहाँ ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति का मार्गी होना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है। फिर
फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।